हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का सितंबर ट्वेंटी फोर एग्जाम का पेपर नंबर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था आप सबको पता है एक एमसीक्यू पार्ट आता है दूसरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है थर्टी मार्क्स के एमसीक्यू थे सेवेंटी मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए थे इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव है जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो इवेलुएट कर सके कि, कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था क्या वो अपना आंसर सही देकर देकर आए आए हैं या नहीं एंड जिन का 25 में अटेम्प्ट है उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन का वे क्या था क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उनके आंसर कैसे देने चाहिए थे केस स्टडी कितनी आई थी एमसीक्यू बेस्ड और चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था ताकि आप नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं चैप्टर नंबर वन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सितंबर 24 के एग्जाम में चैप्टर नंबर टू से एक सिंगल डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर टू थ्री से भी एक सिंगल डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चैप्टर फोर से एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एक टू मार्क्स का इंडिविजुअल एमसीक्यू, चैप्टर नंबर फाइव से फाइव मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एक सिक्स मार्क्स की एमसीक्यू केस स्टडी चैप्टर नंबर सिक्स एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फाइव मार्क्स का चैप्टर नंबर सेवन से

मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और सिक्स मार्क्स की एक केस स्टडी चैप्टर नंबर ट्वेल्व फाइव प्लस फाइव दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और मार्क्स की एक केस स्टडी चैप्टर नंबर दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फोर मार्क्स ईच और चार नंबर के दो एमसीक्यू टू प्लस टू चैप्टर नंबर फोर्टीन अगेन दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फोर एंड फोर चैप्टर नंबर फाइव दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एक एमसीक्यू नो no. हम इस पूरे सिलेबस को एच सच दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक पार्ट होता है हमारा कॉर्पोरेट लॉ का और दूसरा अदर लॉ का कॉर्पोरेट लॉ के 11 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं और चैप्टर अदर लॉ के चार चैप्टर जिसमें एलएलपी आता है फेमा आता है और दो जनरल चैप्टर आते हैं एक इंटरप्रिटेशन का और एक जनरल क्लॉसेस एक्ट का पार्ट 1 कॉर्पोरेट लॉ 64 मार्क्स का आया है एग्जाम में जिसमें से फोर्टीन मार्क्स के एमसीक्यू एंड फिफ्टी मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट नंबर टू फिफ्टी मार्क्स का आया है सिक्सटीन मार्क्स के एमसीक्यू थर्टी फोर मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो इन चार चैप्टर की वेटेज इन सिक्स चैप्टर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है एल एल पी जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन फेमा तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनको आइडिया है कि हां मे 24 में भी 34 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे सितंबर 24 में भी 34 मार्क्स सितंबर 24 के एग्जाम में भी 34 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए हैं इन चारों चैप्टर से सो so, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी 25 के एग्जाम में या मई 25 के एग्जाम में भी अराउंड 34 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन चारों चैप्टर में से पूछे जाने की काफी प्रोबेबिलिटी है 30 से 35 मार्क्स का एक एवरेज आप ले सकते हैं इन चारों चैप्टर एंड पंद्रह सोलह नंबर के एमसीक्यू भी आप इन चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो so, ये तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था नो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन कैसे आए हैं ये मैंने सुजेस्टेड आंसर प्रिपेयर किया है ये आपको हमारे वेबसाइट के एल पर अवेलेबल है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पहले पार्ट में एमसीक्यू के क्वेश्चन है जिसमें पहले चार केस स्टडी है केस सिनेरियो वन एल का है जिसमें तीन एमसीक्यू केस सिनेरियो टू फेमा का तीन एमसीक्यू केस सिनेरियो थ्री डिपॉजिट्स का जिसके अंदर अगेन तीन एमसीक्यू Case scenario four, that is of foreign company या आउटसाइड इंडिया सिक्स मार्क्स के तीन MCQs. फिर तीन क्लॉज एक्ट एक शेयर कैपिटल के ऊपर है और फिर लास्ट अगेन जनरल क्लॉज एक्ट के ऊपर है नौ इनके करेक्ट ऑप्शन इसी सुजेस्टेड आंसर के अंदर दिए गए हैं नाउ इसके बाद मूव करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पर पार्ट नंबर टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का है जिसमें क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है और बाकी रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन में से फोर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं तो इन टोटल सिक्स क्वेश्चन है एवरी क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्ट एंड दीज थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन पार्ट वन फाइव मार्क्स पार्ट टू फाइव मार्क्स एंड पार्ट थ्री फोर इस तरह से हर एक क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में फाइव फाइव फोर के अंदर Now, अब किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है और उसका क्या आंसर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एमसीक्यू के अंदर तो बहुत इजी एमसीक्यू थे लगभग एक दो कंपेयर तो। तो तो कर सकते हैं कि क्या आप जो आंसर देकर आए हैं और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या वो सही है या नहीं बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर टू की एक क्वेश्चन आया है सिर्फ इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फाइव मार्क्स का क्वेश्चन नंबर थ्री का पेड शेयर कैपिटल ऑफ स्टार फर्निशिंग लिमिटेड इज रुपन करोड़ डिवाइडेड इंटू टेन लैक इक्विटी शेयर इज होल्डिंग सिक्स लैख इक्विटी शेयर रिमेनिंग फोर लैख हेल्ड बाई अदर स्टार फर्निशिंग इज होल्डिंग सेवन परसेंट इक्विटी ऑफ होम डेकोर ऑफ विच टू परसेंट इक्विटी इज हेल्ड एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको इन दो के आंसर देने सेम क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अप शेयर कैपिटल एक करोड़ डिवाइडेड इनटू टेन लाख इक्विटी शेयर आपके पास छह लाख इक्विटी शेयर हैं चार लाख इक्विटी शेयर दूसरों के पास हैं एस लिमिटेड के पास पांच परसेंट इक्विटी है एच की जिसमें से एक परसेंट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज हैं आपको आंसर देना है तो ये जो क्वेश्चन है ये मे 19 के एग्जाम का क्वेश्चन रिपीट हुआ है चैप्टर नंबर टू में तो चैप्टर टू का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टोटल क्वेश्चन यदि आप देखें एग्जाम में सिक्स इंटू थ्री अठारह क्वेश्चन है और लगभग पंद्रह क्वेश्चन सेम और लगभग सेम क्वेश्चन बैंक में कवर अठारह में से पंद्रह और आपको करने भी पंद्रह ही थे वो बात अलग है किसी का कोई पार्ट कवर नहीं है किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट कवर नहीं है लेकिन 18 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन यदि क्वेश्चन बैंक कवर कर रहा है तो इसका मतलब एक अच्छी खासी परसेंटेज कवर अप की गई है मोर देन 90 परसेंट आप कह सकते हैं मोर देन 90 परसेंट क्वेश्चन की कवरेज क्वेश्चन बैंक में से थी चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर थ्री प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है और ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए. चैप्टर नंबर टू का क्वेश्चन सॉरी चैप्टर नंबर थ्री का क्वेश्चन है प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर प्राइवेट प्री कन्वर्ट नहीं करना चाहती कंपनी राइट इश्यू के थ्रू सिर्फ एक करोड़ रुपया जनरेट कर पाई है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना एक्सपोजर बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या यह कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज कर सकती है यदि हां तो आप फ्रेश ऑफर की लिमिट एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का टाइम लिमिट बताइए यह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 26 का हिस्सा है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर जो नवंबर 18 के एग्जाम में आया था तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है उसकी बात की गई दो टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर एंड टाइम फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज तो चैप्टर टू की कवरेज एक क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बैंक में कवर है चैप्टर थ्री एक ही क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बैंक में कवर है आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर फोर से एक क्वेश्चन आया है सिर्फ कॉल्स इन एडवांस एंड रेजिंग कॉल्स सब हेल्थ प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स वर्थ रुपीज फाइव करोड़ फुल्ली सब्सक्राइब एंड सो ऑन कंपनी ने कॉल रेस की थर्टी रुपीज की एक सब्सक्राइबर ने ऑल द मनी पे कर दी दैट इज एडवांस मनी जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है डिविडेंड डिमांड कर रहा है दूसरे शेयर होल्डर के पास पंद्रह हजार शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और कंपनी के डायरेक्टर उससे कहते हैं पूरा का पूरा अमाउंट दो तुम तो ये क्वेश्चन बेसिकली कॉल्स इन एडवांस पर एंड डिमांडिंग कॉल मनी के ऊपर है कॉल मनी कैन बी डिमांडेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा सकता है बट डिविडेंड का कोई राइट एज सच नहीं होता कॉल्स इन एडवांस के ऊपर तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट तो एज सच नहीं है बट कॉल्स के केस में क्वेश्चन नंबर चार रेसिंग द कॉल मनी अ कॉल कैन नॉट बी मेड ऑन सम ऑफ द मेंबर्स ओनली मींस जो इस क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर ने पचास थर्टी रुपी की कॉल मनी नहीं दी उससे आप पूरा अमाउंट मांग रहे हो नहीं मांग सकते अनलेस दे कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर तो आधा पार्ट तो एज सच कवर हो गया दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन में कवर हो जाता है <laughs> क्या कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट किया जा सकता है यस कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट किया जा सकता है लेकिन उन कॉल्स पर कोई वोटिंग राइट right नहीं होगा कोई वोटिंग राइट right नहीं होगा इंटरेस्ट मिलेगा आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं तो डिविडेंट नहीं मिलेगा तो जो चैप्टर नंबर फोर का क्वेश्चन है वो एज सच डायरेक्ट सेम क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है बट मिलते जुलते क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था चार एंड पांच थे एक सेकेंड चार एंड पांच से रिजेंबल करता है चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर पांच एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक क्वेश्चन आया है उससे क्वेश्चन नंबर टू का बी कंपनी की नेटवर्थ है तीन सौ दस करोड़ कैपिटल है दो सौ करोड़ फ्री रिजर्व्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम है टर्न ओवर है कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है फ्रॉम पब्लिक अदर देन इट्स मेंबर्स अदर देन इट्स मेंबर मींस पब्लिक से ले रहे हो तो नेटवर्थ को देखा जाएगा और टर्नओवर को देखा जाएगा तो क्या कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है चलिए चैप्टर नंबर पांच पर चलते हैं नेटवर्थ एंड टर्न ओवर के क्राइटेरिया पर बताना है तो आपका आंसर यहां से निकल जाएगा बस नेटवर्थ और टर्न ओवर की लिमिट यहां पर अलग अलग है यहां पर नेटवर्थ भी सौ करोड़ से कम है टर्न ओवर पांच सौ करोड़ से कम है लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वहां पर नेटवर्थ थ्रेसोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्वेश्चन नंबर पंद्रह फिगर्स चेंज है अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इट इज फर्दर मेंशन डोल्स टॉय को अर्जेंट नीड है फंड की एंड वो चार महीने में रिपेमेंट करना चाहते हैं तो क्या ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं लीजिए क्या ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगभग 19th का सेकंड दिसंबर 21 एग्जाम का श्री राम रेडीमेड गारमेंट्स 50 लाख का डिपॉजिट्स ले रहे हैं विच इज लेस देन सिक्स मंथ इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू डू सो जी हाँ यदि ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं कम से कम तीन महीने और 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो जो आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ले सकते हैं तो इसके बेसिस पर आपका आंसर निकल जाता है इस क्वेश्चन का। जो इस क्वेश्चन पेपर में फिगर्स दी गई हैं, उनके एग्जैक्ट आंसर्स, सुजेस्टेड आंसर्स मैंने दे दिए हैं एग्जैक्ट जो करंट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो लिमिट दी गई है जैसे इस क्वेश्चन में जो लिमिट दी गई उसकी अकॉर्डिंग मैक्सिमम थर्टी वन करोड़ रुपीज का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता बट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पेपर को डिस्कस करने का कि आप जो क्वेश्चंस पास्ट में पढ़कर आए हुए हैं चाहे वो पास्ट एग्जाम्स के हैं आर के हैं एम के हैं मोर देन नाइनटी परसेंट पेपर मोर देन नाइनटी परसेंट पेपर उन्हीं क्वेश्चंस को रीफ्रेम करके बनाया So, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर पांच का क्वेश्चन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इसके ऊपर क्वेश्चन है थर्ड का बी थर्ड का बी बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन लास्ट में दो ही चीजें पूछी हैं एक कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट सेंक्शन कराई है बैंक से लेकिन अवेल की तीन चार महीने के बाद बताइए ट्रिगर पॉइंट कौन सा होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ कोर्स सैंक्शनिंग के टाइम का होगा तो पांच नंबर के क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन तो ये होगा मेरे हिसाब से ट्रिगर पॉइंट का फिर कहता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑन नवीन टूल्स लिमिटेड कंपनी के ऊपर कंपनी तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो तुम्हारे ऊपर तो पेनल्टी लगेगी अच्छा तो क्या ये पेनल्टी का कोई क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है जी हां क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है आपके क्वेश्चन बैंक का व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट ये ऑलरेडी एमटीपी और आरटीपी में पूछा जा चुका है तो देखो अभी तक जितने क्वेश्चन आए चैप्टर टू का थ्री का फोर का फाइव का सिक्स का लगभग एग्जाम में कवर थे ना पहले दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम थे उसके बाद वालों में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज आ रहा है आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेवन चैप्टर नंबर सेवन के ऊपर दो क्वेश्चन हैं, वो एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का है कि एक कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उसकी दो सब्सिडियरीज हैं एक 80 परसेंट होल्डिंग है दूसरी होली ओन्ड है दोनों सब्सिडियरीज आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है सिल्क टेक्सटाइल जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी मीटिंग दुबई में करना चाहती है क्यों क्योंकि एक सब्सिडियरी कंपनी प्रिंट लिमिटेड वो अर्जेंट बेसिस पर दुबई में अपनी मीटिंग कर रही है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या ईजीएम दुबई में हो सकती है सिल्क टेक्सटाइल की या प्रिंट की सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेवन का सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आरटीपी में नाइनटीन का क्वेश्चन है

वो एग्जैक्ट आंसर आपको इस सुजेस्टेड आंसर में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए. एज पर सेक्शन हंड्रेड द बोर्ड में कॉल ईजीएम हाउ एवर ईजीएम अदर देन ऑफ होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शेल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन द इंडिया इस केस के फैक्ट क्या है और उसके बेस पर कंक्लूजन दे दिया जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पार्ट है उसी को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है दूसरा क्वेश्चन एक पब्लिक कंपनी है पचास लाख की कैपिटल है रमन के पास पचास हजार शेयर है पांच लाख में से और वो चाह रहा है कि जो सोमनाथ है कंपनी का डायरेक्टर वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है उसको रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम द डायरेक्टरशिप इसके लिए उसने ईजीएम की की रिक्वेस्ट की है करना चाहता है क्या रमन रिक्विजिशन कर सकता है हाँ उसके पास टेन परसेंट पेडअप कैपिटल है कंपनी की कर सकता है और यदि उसके कहने पर कंपनी ईजीएम कॉल नहीं करती तो क्या वो खुद भी ईजीएम कॉल कर सकता है यस ये कौन सा क्वेश्चन है सेम 21 के बाद वाला 22, इक्विटी शेयर कैपिटल दस हजार शेयर होल्डर के पास है 1500, मैनेजिंग डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं क्योंकि कंप वो कुछ मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है यदि कंपनी ने मीटिंग नहीं की तो रिक्विजिशनिस्ट अपने आप मीटिंग कॉल करना चाहते हैं क्या वो कर सकते हैं नवंबर 22 का क्वेश्चन है जिसको रीफ्रेम किया गया है एग्जैक्ट क्वेश्चन है बट रीफ्रेम किया गया है तो चैप्टर नंबर सेवन का क्वेश्चन भी सारा का सारा कवर है आगे बढ़ते हैं चैप्टर एट चैप्टर एट में से एक क्वेश्चन आया है इंटरिम डिविडेंड का कंपनी की पेड अप कैपिटल है 75 करोड़ रुपए की कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में पहले और दूसरे क्वार्टर में हुआ है लॉस डायरेक्टर इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं 30% का पिछले पांच सालों के डिविडेंड रेट हैं ये क्या डायरेक्टर ये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं इसका जवाब है चैप्टर नंबर 8 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए మే 19 का क्वेश्चन है जी ये जो अप्रैल 21 के मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22 के मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा गया है अलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24 25 करंट ईयर में लॉस है पिछले तीन साल के डिविडेंड रेट ये हैं इंटरिम डिक्लेयर किया 12 हमारे क्वेश्चन में है 30 तो आप जो पिछले 3 साल का एवरेज है मैक्सिमम उतना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो यदि आप जब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उस समय कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस था तो कंपनी इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड सेम क्वेश्चन है रीफ्रेम किया गया है रीफ्रेम चैप्टर नंबर दो तीन चार पांच छ सात आठ सात चैप्टर हो चुके हैं अब तक जो क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं लगभग लगभग कवरेज है पूरी आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन के हैं जी दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के बी का फर्स्ट पार्ट वॉलंट्री रिविजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन नंबर का क्वेश्चन वॉलंट्री रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपके चैप्टर नंबर नाइन इसका क्वेश्चन नंबर ग्यारह एम मार्च एटीन एंड नवंबर एटीन स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग द वॉलट्री रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा क्वेश्चन वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नया क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर स्टडी मटेरियल में भी नहीं मिलेगा आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में भी नहीं मिलेगा उसका आंसर एक केस लॉ पर मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ का ए ये है ऑल टुगेदर एक न्यू क्वेश्चन

वेदर संजना हैज द राइट टू ऑथोराइज समू इंस्पेक्ट द बुक ऑन हर बिहाफ ऐसा प्रोविजन लॉ में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ इसका आंसर आपको मिलेगा एक केस लॉ के अंदर यह क्वेश्चन सी ए फाइनल में जब सिलेबस में होता था यह चैप्टर उस टाइम का क्वेश्चन है सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज कंपनी लिमिटेड मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन था ये अ डायरेक्टर इज नो रीजनेबल ऑब्जेक्शन टू पर्सन चूजन एंड द एजेंट अंडरटेक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फॉर एनी द प्रिंसिपल तो यदि ये जो बात लिखी गई है ये सेटिस्फाइड होती है इन दैट केस

थोड़ा सा स्टडी मटेरियल से हटकर हो जहां पर लगे कि हाँ बच्चे ने दिमाग लगाकर अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की अकॉर्डिंग इमेजिनेशन से आंसर दिया है इसका आंसर 90 परसेंट नाइनटी क्या 100 परसेंट स्टूडेंट ही इमेजिनेशन बेस पर देकर आएंगे इस केस लॉ का रेफरेंस तो मुझे नहीं लगता कोई भी देकर आया होगा तो जैसे आप नहीं देकर आए वैसे कोई भी और नहीं देकर आया चिंता मत करो डोंट वरी एट ठीक है तो ये चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो नया आया है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड एंड पेपर चलिए चैप्टर नंबर दस पर चलते हैं चैप्टर नंबर दस से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर वन के बी का सेकंड पार्ट DEF एफ सालों से ऑडिट कर रहा है रोटेशन के कारण DEF को रिटायर होना है उसकी जगह पर एक्स वाइज आएगा DEF का एक पार्टनर एफ जो इन था, सर्टिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का DEF से रिटायर्ड होता है एक्स वाई जेड को ज्वाइन कर लेता है बताइए क्या एक्स वाई जेड की अपॉइंटमेंट हो सकती है नहीं हो सकती इसका सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर दस पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सत्रह पर चलते हैं यश पार्टनर है इंचार्ज है यश रिटायर हो जाता है पीके आर से और गुप्ता एंड गुप्ता को ज्वाइन कर लेता है जनरल मीटिंग में गुप्ता एंड गुप्ता को ऑडिटर बना दिया जाता है तो यदि प्रीडिसेसर फर्म का पार्टनर जो इंचार्ज था सर्टिफिकेशन का वो रिटायर होकर दूसरी फर्म को ज्वाइन कर लेता है तो क्या वो दूसरी फर्म एलिजिबल है नहीं एज पर रूल सिक्स अनदर फर्म शेल ऑल्सो बी इन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटी चैप्टर नंबर ग्यारह कंपनीज इन आउटसाइड इंडिया एक ही क्वेश्चन आया है डिस्क्रिप्टिव इससे सिक्स का बी आपके क्वेश्चन बैंक का सेवेंथ क्वेश्चन ब्यूटी कॉस्मेटिक्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कोरिया के पास बीस परसेंट शेयर है क्या ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को एक फोरन कंपनी या इंडियन कंपनी माना जाएगा क्या इसको कंपनी लॉ के प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की आवश्यकता है सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन लीजिए किड्स टॉयज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान ब्रांच ऑफिस इन मुंबई फॉर द बिजनेस कंडक्टेड इन इंडिया इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन इंडियन कंपनी के पास 50 परसेंट की शेयर होल्डिंग है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बताइए क्या ये एक फॉरेन कंपनी होगी फॉर और इंडियन कंपनी होगी फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया एंड क्या इस बिजनेस के लिए इट इज रिक्वायर्ड टू Comply with the requirements of Companies Act 2013. exact विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी इसके साथ कॉर्पोरेट लॉ हुआ खत्म ग्यारह चैप्टर अब इन ग्यारह चैप्टर में से मैं यह कह सकता हूं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ देता हूं यदि मैं चैप्टर नंबर नाइन का इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वो तो इवन स्टडी मटेरियल के अंदर भी नहीं है वो कॉन्सेप्ट तो कि डायरेक्टर क्या अपने एजेंट को ऑथोराइज कर सकता है इंस्पेक्शन के लिए ऑल अदर क्वेश्चंस दे आर कवर्ड इन क्वेश्चन बैंक चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर बारह पर एल एक्ट एलएलपी के ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक क्वेश्चन नंबर फोर का भी एल एल पी इन हुई है विद टेन पार्टनर एल एल पी का वेरी गुड बिजनेस कंसिडरेबल प्रॉफिट है स्ट्रॉन्ग स्टील्स लिमिटेड स्टार्टेड मेकिंग लॉस उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की बीस इक्कीस से तीन पार्टनर कह रहे हैं वाइंडिंग अप करा दो बाय ट्राइब्यूनल बाकी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आप बताइए क्या इसकी वाइंडिंग अप हो सकती है चलो जी एलएलपी एक्ट पर चलते हैं वाइंडिंग अप का क्वेश्चन है क्या बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाइंडिंग अप का है एलएलपी डिसाइड करे तो वाइंडिंग अप हो सकती है छह महीने से ज्यादा हो गए नंबर ऑफ एलएलपी के पार्टनर रिड्यूस बिलो टू एलएलपी एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सवेरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तीनों में से कोई भी नहीं है डिफॉल्ट इन फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी एंड एनुअल रिटर्न फॉर फाइव ईयर जो उसमें चार है इस क्वेश्चन में ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटी तो इन ग्राउंड्स के ऊपर इन के ऊपर वाइंडिंग अप हो सकती है नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड तो ये क्वेश्चन नंबर हाँ, इसमें इन एडिशन इन्होंने पेनल्टी और पूछ ली फॉर नॉट फाइलिंग द एनुअल रिटर्न वो एक एडिशनल है एक या दो नंबर का दूसरा क्वेश्चन एलएलपी का पूछा गया है फाइव के बी में एबीसीडी पार्टनर है अल्फा के इक्वल शेयर है प्रॉफिट एंड लॉसेस में ए ने अरेंजमेंट किया लॉसिस मेंसेंट शेयर अपनी बेटी के नाम कर दिया एक्स वांटेड टू एक्सेस द द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग क्लेमिंग कि शी इज फॉर द इंफॉर्मेशन क्योंकि वो प्रॉफिट में शेयरिंग करती है अदर पार्टनर ने रिफ्यूज कर दिया क्या एक्स के पास कोई रेमेडी है तो इस ये क्वेश्चन एज सच कवर नहीं है क्वेश्चन बैंक में ये आप कह सकते हैं एक नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव का भी इसका आंसर आपको सेक्शन फोर्टी टू के बेस पर मिल जाएगा ये पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट ये एक नया क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर नाइन में और दूसरा क्वेश्चन एलएलपी में ये दो क्वेश्चन नए हैं आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर थर्टीन जनरल क्लॉज एक्ट दो क्वेश्चन है जब एक नया लॉ एनेक्ट होता है तो उसका डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स क्वेश्चन बैंक का उन्नीसवा क्वेश्चन नया लॉ एनेक्ट होता है टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लॉ वो पुराने लॉ को रिपील कर देता है इसका इफेक्ट ऑफ रिपील का इफेक्ट ओल्ड डॉक्यूमेंट का क्या कहां, -कहां नहीं पड़ेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तो ये भी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट एंड ट्वेंटी वन इफेक्ट ऑफ रिपील इफेक्ट ऑफ रिपील दूसरा क्वेश्चन जनरल क्लॉजिस एक्ट का जो एग्जाम में पूछा गया है वह है फाइव का सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ए ने फ्रॉड किया ए ने fraudulently बी को unmarketable goods गुड्स बेचे बी ए से क्लेम चाहता है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोनों में कर पाएगा क्या मिस्टर पी ने एक कार खरीदी मिस्टर जी से जो उसका दोस्त था ना कार को चेक किया ना टेस्ट ड्राइव किया क्या परचेज को गुड फेथ में माना जाएगा दोनों क्वेश्चन कवर्ड हैं। एंड पहले तो सेवन ले लेते हैं गुड फेथ वाला कार की जगह पर वॉच है विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी जैसे यहां पर उसने कार को चेक नहीं किया कार की टेस्ट ड्राइव नहीं की यहां पर वॉच खरीद ली गई विदाउट इंक्वायरी क्वेश्चन नंबर 42 दो लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं तो क्या पेनल्टी दोनों लॉ की लगाई जा सकती है नहीं सिर्फ एक लॉ की लगती है सेक्शन 26 RTP, का क्वेश्चन है दो थे इनकम टैक्स एक्ट एंड एडवोकेट एक्ट सिर्फ एक लॉ में पनिशमेंट मिल सकती है। देख लो जनरल क्लॉज एक्ट के चार छोटे छोटे क्वेश्चन है चारों कवर आगे बढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन अगेन इंटरप्रिटेशन के दो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में थर्ड का सी रूल बताइए जो सुजेस्ट करता है प्लेन वर्ड रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन टेक्निकल वर्ड बी अंडरस्टूड इन टेक्निकल सेंस ओनली रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन चैप्टर नंबर फोर्टीन पर चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड था बट यदि आपने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को याद किया हुआ है देन आपको सेम लाइनें मिल जाएंगी इन अदर वर्ड्स प्लेन वर्ड्स रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशन तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट सिमिलर टाइप है रूल तो ऑफ आइडेंटिफाई हो रहा है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन आप आंसर दे सकते हैं इसके बेसिस पर दूसरा क्वेश्चन जो इंटरप्रिटेशन के चैप्टर का आया है वो है फोर का सी वट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डेफिनेशन एंड डेफिनेशन में मीन इंक्लूड मीन इंक्लूड होते हैं इसका क्या मतलब है ये नया क्वेश्चन है पर्पस ऑफ डेफिनेशन ये कवर नहीं है हाँ मीन एंड इंक्लूड का पार्ट कवर है क्वेश्चन नंबर उनतीस मीन इंक्लूड का क्या मतलब है तो अब जो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनता है पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड इन द डेफिनेशन तो आधा क्वेश्चन ये भी कवर है अब बढ़ते हैं फेमा के ऊपर लास्ट चैप्टर दो क्वेश्चन है इसमें मिस रोज इंडियन सिटीजन हु गोट अ जॉब इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन द यूएसए शी वेंट टू यूएसए एंड स्टेड देयर फॉर ट्वेल्व ईयर ड्यूरिंग हर स्टे उसने यूएसए में हाउस खरीदा पर्सनल इश्यू के कारण वो इंडिया वापस आ गई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली उसने यूएसए का हाउस लेट आउट कर दिया वहां से जो किराया आया यूएसए के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ उससे वो नया हाउस खरीदना खरीदा उसने तो आपसे पूछा गया क्या वो यूएसए में हाउस परचेज कर सकती थी और इंडिया में आने के बाद उसे रिटेन कर सकती थी और क्या इंडिया में आने के बाद वो यूएसए में दूसरा हाउस खरीद सकती है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन का उट रेंटल इनकम डिपॉजिट करा दी उसने यूके के अकाउंट में ही गुड अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ तो उसने सेकेंड फ्लैट परचेज करने की प्लानिंग की क्या फर्स्ट फ्लैट खरीद सकती है क्या सेकेंड फ्लैट खरीद सकती है आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन फेमा का मिताली डायमंड्स लिमिटेड इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कटिंग पॉलिशिंग ट्रेडिंग ऑफ डायमंड्स। लास्ट फाइनेंशियल फाइव फाइनेंशियल इयर्स की अर्निंग्स दी गई है फॉरेन एक्सचेंज में कंपनी दस हजार यूएस डॉलर की डोनेशन एक इंस्टीट्यूशन को जो टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इन द फील्ड ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ रॉ डायमंड डोनेट करना चाहती है कंट्रीब्यूशन देना चाहती है क्या दे सकती है इसके लिए क्वेश्चन नंबर सत्रह पर चलिए एग्जैक्ट तो नहीं है बट प्रोविजन कवर है एज पर शेड्यूल थ्री रीड विद सेक्शन फाइव डोनेशन एक्सीडिंग वन परसेंट ऑफ द फोरन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर और यूएस डॉलर फिफ्टी लैक्स विच एवर इज लेस कैन बी रेमिटेड अदर देन इंडिविजुअल फॉर यह क्वेश्चन था क्रिएशन ऑफ चेयर्स के ऊपर ये कंट्रीब्यूशन पर है और कंट्रीब्यूशन क्रिएशन दोनों के लिए यह सेम लिमिट तो यदि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ होगा तो दोनों की लिमिट सेम होती है तो उसके बेसिस पर आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते थे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है हां प्रोविजन उसका एज सच इस क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में काफी हद तक कवर हो रहा है प्रोविजन सो दिस इज ऑल अबाउट फिफ्टीन चैप्टर जिसमें से दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो एग्जेक्टली exactly, मतलब वो तो कवर है ही नहीं दो क्वेश्चन लेकिन बाकी क्वेश्चन से आधे तो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली कवर है और बाकी आधे लगभग सेवेंटी एटी परसेंट का कॉन्सेप्ट कवरेज पूरा कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं अब बात आ जाती है उसकी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस के क्या आंसर्स बनते हैं एग्जैक्ट नए क्वेश्चन के ये सुजेस्टेड आंसर्स में सबको रीफ्रेम कर दिया गया और ये आंसर्स सुजेस्टेड आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे एलएमएस पर एनी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट एलएमएस के ऊपर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकता है और वहां से इसे डाउनलोड कर सकता है एंड इन आंसर्स के बेसिस पर कोशिश करिएगा से वो स्टूडेंट जिनका जनवरी या मई ट्वेंटी फाइव में, में एग्जाम है क्या आप इन आंसर्स को इसी फॉर्म में लिख पा रहे हैं जो पेपर चेकर होता है ना वो आपसे उम्मीद यही करता है कि आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन की है आंसर्स की तो इन क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद देखिए जिन चैप्टर्स की आप तैयारी कर चुके हैं क्या उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में आपने ये सिमिलर क्वेश्चन कवर कर रखे हैं नहीं कर रखे कर रखे हैं तो क्या आप इनके आंसर्स को इस तरीके से नोट डाउन कर पा रहे हैं तो जो एक गाइडेंस है जनवरी या मे ट्वेंटी के स्टूडेंट्स के लिए वो गाइडेंस ये है डू रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ द आंसर ऑफ फ्यू क्वेश्चन इन ईच चैप्टर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बना लेते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह लर्न कर लेते हैं गुड बट उसके साथ एक चीज की और रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है आपके उन कॉन्सेप्ट को जो केस स्टडी क्वेश्चन में दी गई है एग्जाम में पूछी गई है उसके बेसिस पर अपने आंसर्स को फ्रेम करना वट इज द प्रोविजन आपको आता है हाउ टू अप्लाई द प्रोविजन बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और प्रैक्टिस के बाद उसकी प्रेजेंटेशन की जरूरत है तो ये जो क्वेश्चन सितंबर 24 के एग्जाम में पूछे गए हैं इसके सुजेस्टेड आंसर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के आर इंस्टीट्यूट के एम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं या जो हमारा क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम लगभग सब कुछ कवर है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं बट डू द प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए जरूरी है, राइट सो दिस इज ऑल फॉर दिस पेपर और जल्द मुलाकात करेंगे ऑडिट के पेपर की डिस्कशन के साथ थैंक यू वेरी मच गुड बाय